है मेरे YouTube चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। को कटिंग से कैसे लगाएं ये जानेंगे। दोस्तों ओलियंडर को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है, यह बहुत ही हार्डी प्लांट है। आपने इसको सड़कों पर, डिवाइडरों पे, पार्कों में, स्कूल के बाहर लगा देखा होगा। दोस्तों इस प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो न्यू गार्डनर है उनके लिए ये बेस्ट प्लांट है, क्योंकि इसको ना तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और ना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की। एक अगर आपका प्लांट लग जाता है तो आपके गार्डन में ये सालों साल चलेगा, और आप एक प्लांट से कई प्लांट भी बना सकते हैं। दोस्तों आपको इसे नर्सरी से लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग करने का अपना ही फ़ायदा है। जो पौधे हम मदर प्लांट से या बीजों से ग्रो कर सकते हैं उन्हें नर्सरी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों आपको एक ओलियंडर की कटिंग आपके आसपास कहीं मिल जाती है तो सबसे अच्छा, नहीं तो आप इनको कहीं से भी रोड किनारे, पार्क, डिवाइडरों से, घर किसी के घर के बाहर, कहीं भी ये पौधा दिख जाए वहाँ से कटिंग ले सकते हैं। इसमें इसके मदर प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि इनको फ़ायदा ही होता है। इससे उस पौधे की प्रूनिंग हो रही है, जिस जगह से कटिंग करते हैं उस जगह से नई नई शूट्स निकलती हैं और पौधा और ज़्यादा घना होता जाता है। जितना पौधा घना होगा उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। कनेर की कटिंग है तो ये मेरा पिंक कलर का कनेर है जो मुझे कटिंग मिल गई थी, उसको मैंने ये लाकर लगा दिया था 15 दिन पहले, और इसके बाद का अपडेट अब आपको दिखाऊंगी। कटिंग दोस्तों सेमी वुड होनी चाहिए। ये देखो मैंने ला के कटिंग्स की थी 15 दिन पहले, सेमी वुड है, ना बहुत ग्रीन है ना बहुत ब्राउन है, और बल्कि मोटी भी है, ठीक सी ठीक ठीक रखनी है। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, सेमी वुड भी होनी चाहिए। इनको मैंने कुछ कटिंग्स को मिट्टी में लगाया था जिनका अपडेट आप वीडियो में देख रहे हैं। ये 15 दिन बाद का अपडेट है, ये मेरी कटिंग सक्सेसफुल हो गई है। इनको मैंने मनी प्लांट के साथ ही लगा दिया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी कटिंग सक्सेस होगी, लेकिन ये मुझे बहुत ही देखकर खुशी हो रही है मेरी कटिंग सक्सेस हो गई है। जिसमें ये 3 कटिंग लगाई थी मैंने, ये मेरा ख़राब हो गई थी फिर भी लगा दिया था, ये 2 कटिंग में मेरी 1 सक्सेस हो गई है। इनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है सक्सेस हो जाए। कुछ इसमें लगाई है मैंने, इसमें देखिए मिट्टी में निकाल कर मैं दिखा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये अपडेट हल्के से इसमें रूट्स आ रही है, लेकिन अभी इन्हें वापस मिट्टी में ही रखूँगी क्योंकि अच्छे से इनकी रूट्स नहीं बनी है। सो दोस्तों इनमें थोड़ी सी कहीं रूट्स बन रही है लेकिन अभी अच्छे से नहीं आई है, इसलिए वापस मिट्टी में लगाना ज़रूरी है। और दोस्तों इनको धूप में नहीं रखना है, जब आप कटिंग लगाएंगे तो इनको सेमी साइड एरिया में रखिए ताकि इनको हल्की धूप रोशनी तो मिले, ना ही अंधेरा हो और ना ही इनको एकदम रोशनी में रखना है। इनको हल्की छाँव में या ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। जब कटिंग आपकी सक्सेस हो जाए फिर आप इनको धूप में रख सकते हैं। सो दोस्तों ये कटिंग्स तो मैंने मिट्टी में लगाई थी, ये कटिंग मैंने पानी में लगा कर रखी थी क्योंकि ये पतली थी, मैंने मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरी सक्सेस होगी, लेकिन मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपको भी इसका अपडेट दिखाऊंगी, ये कटिंग मेरी सारी की सारी सक्सेस हो गई है। देखिए ये मैंने पानी में लगाई थी, पानी में कटिंग मिट्टी की अपेक्षा दोस्तों ज़्यादा जल्दी चलती है। देखिए इसमें मेरे हल्के से रूट्स बन रहे हैं, इसमें अभी स्टार्ट हो गई है रूट बनना। सो दोस्तों मुझे देखकर बहुत खुशी हुई, मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं आप सबको भी दिखाऊं कि मेरी कटिंग्स कितनी अच्छे से सक्सेस हुई है। इसमें अभी स्टार्ट हो रही है, अभी हुई नहीं है। मैं देखिए कितनी अच्छी रूट हल्की सी स्टार्ट हुई है, और मुझे उम्मीद है कि थोड़े से दिनों बाद इसमें और अच्छी रूट्स बनेंगी और इनसे मेरा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है, हल्की सी रूट्स भी बन रही हैं जो कि और अच्छी बन जाएंगी। इसमें देखिए इसकी रूट्स निकालने पर थोड़ी सी टूट भी गई थी, अभी पानी से निकाला है, इनके पानी चेंज करना पड़ता है, रूट्स टूट भी जाती है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी रूट्स बन रही है। इनको हम अभी मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो कुछ दिन बाद भी कर सकते हैं इनकी और अच्छी ग्रोथ होने के बाद। सो दोस्तों
ये कटिंग मेरी देखिए सक्सेस हो गई है। इनको हम चाहें, इसको तो अभी मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी, थोड़ी सी और टाइम इसको दूंगी, इसका अच्छे से रूट्स बन जाए। नीचे अभी रूट्स अच्छे से नहीं बनी होंगी, अभी थोड़ी पत्तियाँ ही आई हैं, सो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा इनको अच्छे से ग्रोथ होने के लिए, उसके बाद ही इनको ट्रांसप्लांट करूँगी मैं। लेकिन हाँ, ये पानी वाली कटिंग में एक कटिंग अच्छे से हो गई है जिनको मैं ट्रांसप्लांट करके दिखाऊंगी। सो अब इस दोस्तों इन कटिंग्स के लिए इसके फर्टिलाइज़र की बात करें, ये कटिंग्स जब अच्छे से चल जाएंगी फिर इनको मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इनमें इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। आप मिट्टी में एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा 70% मिट्टी और 20% कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, जिसमें गोबर की खाद, काउडन कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट मिक्स करके इसका पॉटिंग मिक्स बना लीजिए। या आपके पास कोई गमला है जिसमें पहले से मिट्टी है, पुराना गमला, जैसे मेरे पास ये छोटा सा गमला लगा हुआ है, इसी में मैं आपको कटिंग लगा कर दिखाऊंगी। इसमें पहले से काउडन कंपोस्ट देखिए मिला हुआ है, कुछ कटिंग्स भी लगी हुई हैं, मैं आपको इसी में कटिंग लगा कर दिखाऊंगी और ये बहुत अच्छे से चलेगी, क्योंकि अभी ये छोटी सी कटिंग है तो इसको छोटा ही पॉट मिलना अच्छा रहता है, क्योंकि जितनी बड़ी कटिंग होगी उसके हिसाब से अगर उसको पॉट देंगे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। सो दोस्तों, इसको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र में NPK और NPK 19-19 या NPK 20-20 दे सकते हैं। ये इस तरह का होगा, ये कई कलर्स में भी आता है, इसकी मात्रा सही रखनी पड़ती है आपको। 1 लीटर में 1 चम्मच और 1/2 लीटर में 1/2 चम्मच डाल उसी हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। अभी तो मैंने कटिंग लगाई नहीं है, आपको लगा कर दिखाऊंगी। स्प्रे इस तरह से स्प्रे बोतल से कर सकते हैं। इसको दोस्तों ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है इन कटिंग्स को, ये कटिंग सक्सेस हो जाएंगी, ये पौधा बन जाएगा। आप अच्छे से ग्रोथ कर ले तो आप इनको धूप में रख सकते हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। इनमें जब तक ये कटिंग है इसको तभी तक इसमें पानी की ज़रूरत है, इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, उसके बाद इसको ज़्यादा पानी नहीं लगाने की ज़रूरत है। ज़्यादा पानी देंगे तो ये कटिंग ख़राब हो सकती है, पौधा ख़राब हो जाता है। इन पौधों को पानी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। आप इनको कई दिनों तक भी पानी अगर नहीं देंगे तो ये पौधा मरेगा नहीं और बल्कि चलता रहेगा। मैं आपको कटिंग्स लगा कर दिखाती हूँ। दोस्तों, कल मेरे यहाँ बारिश हो गई थी तो इसमें पहले ही मिट्टी मॉइस्ट है, मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं है, पहले से इससे कटिंग लगी हुई है और इसमें सारी खाद वगैरह सब मिक्स मिली हुई है। सो दोस्तों, मैंने अलग से इसका पॉटिंग मिक्स नहीं बनाया है, ये कटिंग मैंने जो आपको दिखाई थी अच्छे से रूट्स बन गई है, इनको मैं ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ, बाकी को मैंने पानी में ही लगा दिया है। सो इसको एक अच्छे से स्पेस बनाएं ताकि रूट्स ना टूट जाए और इसको अच्छे से लगा दें। दोस्तों, 2 दिन तक इनके लिए आप सेमी शेड एरिया में रखिए, ज़्यादा धूप में ना रखें। 2 दिन के बाद इनको आप धूप में रख, केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका। जब ये मिट्टी में पानी कम हो जाए आप इसको पानी दे सकते हैं, और पानी जब ही दीजिए जब इसकी मिट्टी में पानी सूख जाए। ज़्यादा पानी देंगे आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। सो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।